क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री बल मिश्र। कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? शिवनगर मसवानपुर में रहता हूँ भैया। जी यहाँ पर आए तो क्या मकसद क्या है? जी मेरे भगवान जी आए हैं तो भगवान जी को मैं जो तैयार करके लिए जा रहा हूँ। जी अच्छा, यहाँ पर तैयार कराने का क्या मकसद होता है? कि भैया जो भाभी जी के यहाँ जो है अच्छे से भगवान तैयार होते हैं। हाँ, बड़ा माने ईमानदारी के साथ में अच्छे से तैयार करती हैं, बस इसीलिए यहाँ पर मैं हमेशा आता हूँ। करीब 10 साल से करीब आ रहा हूँ। जी अनामिका। अनामिका, ये राधा कृष्ण जी को आप लेकर के आए हैं यहाँ पर? हाँ। क्या मकसद रहता है? जन्माष्टमी है, इनको तैयार करना है, पूजा करनी है। आंटी के पास हमेशा हम हर साल आते ही हैं। होली दिवाली सारा काम आंटी के हमारा होता है। नवरात्रि के सारे कपड़े भी आंटी के बनते हैं, तो इसलिए हम जन्माष्टमी भी आंटी के कराते हैं। खास बात क्या होती है? यहाँ पे हर चीज़ जैसे हम चाहते हैं वैसा मिलता है, और मतलब आंटी अच्छे सब तैयार करती हैं। ये है राधा कृष्ण की जो मूर्ति होती है उसको तैयार कराने के लिए आप लोग कोई डिमांड रखते हैं खास इस तरीके से? हाँ, आंटी को सब पता होता है पहले से हमें कैसे चाहिए। राधा कृष्ण की मूर्ति आंटी तैयार कर देती हैं। वैसे कहते हैं कि इस तरीके से तैयार किया। हाँ, जैसे आंटी को अपनी पसंद वगैरह बता देते हैं कि हमें कैसे कपड़े चाहिए, कैसे डेकोरेट कराना है, सब पता होता है। मेरा नाम शशि है, मैं यहीं आर एस पुरम में ही रहती हूँ। मैं 10 साल से करीब यहाँ आ रही हूँ, और मुझे यहाँ का कलेक्शन थोड़ा हट के मिलता है। डिज़ाइंस, मैचिंग ज्वेलरी और बहुत अच्छा हर चीज़ ही बाज़ार से कुछ हट के मिलती है। हमने बहुत जगह देखा शिवालय वाले में, लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिली जो चीज़ यहाँ मिलती है। पूरी तरह सेटिस्फेक्शन मिलता है हर चीज़ से। राधा रानी का श्रृंगार बहुत अच्छा, बिल्कुल बोलती हुई मूर्ति लगती है। ऐसा श्रृंगार मेकअप करते हैं वो कि बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी। अच्छा, यहाँ पर जब राधा रानी लड्डू गोपाल साहब लाती हैं तो बिल्कुल जैसे स्त्रियाँ श्रृंगार। हाँ बिल्कुल, जैसे स्त्रियाँ श्रृंगार करती हैं वैसे ही राधा रानी का श्रृंगार बिल्कुल वैसे ही होता है कि देख के ही मन मोह लेती हैं वो। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है, राधा कृष्ण को सजाया सवारा जा रहा है। हर कोई जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने के लिए अपने घरों को, अपने मंदिरों को सजा रहा है, और राधा कृष्ण को विशेष तौर पर सजाने के लिए कानपुर की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर का देव बुटीक है जो यह जाना जाता है इस बात के लिए कि लोग यहाँ पर आते हैं अपने राधा कृष्ण को लेकर के, और उनको सजाते संवारते ठीक उसी तरह हैं जैसे घर में स्त्रियाँ सजती हैं, उनका श्रृंगार किया जाता है। आपको दिखा रहे हैं और बात भी करते हैं, अंजलि जी हैं। अंजलि जी सजा संवार रही हैं, क्या क्या कर रही हैं? अभी हम राधा रानी के ब्लशर लगा रहे हैं। आमतौर पर तो ये स्त्रियां लगाती हैं। हमारी राधा रानी बहुत अच्छे से तैयार, हमारा ये बुटीक के साथ साथ एक एज अ एक पार्लर है। राधा रानी तैयार होने आई हैं तो पार्लर में जैसे हम लोगों का मेकअप होता है उसी तरह से हम राधा रानी का भी मेकअप कर रहे हैं। तो मेकअप और क्या क्या करते हैं इसमें? डिज़ाइनर ड्रेसेस बनाते हैं, फिर मैचिंग ज्वेलरी बनाते हैं, और उसके बाद पूरा मेकअप करते हैं। जैसे आई शेडो है, ब्लशर है, मस्कारा है, ये सब भी करते हैं। हम देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं, और क्या क्या सजाया, किस किस चीज़ से सजाया जाता है, ये क्या है? ये भगवान का बहुत अच्छा मोगरा का परफ्यूम है। जैसे हम लोग तैयार होने के बाद अपना कुछ ना कुछ परफ्यूम लगाते हैं, तो हम अपने राधा रानी के भी लगा रहे हैं। कस्टमर्स यहाँ पर आपके पास विशेष डिमांड लेकर के आते हैं? हाँ, हर बार कस्टमर की डिमांड रहती है कि इस बार कुछ हमें कुंदन वर्क चाहिए, या गोटा पत्ती वर्क चाहिए, या स्टोन वर्क चाहिए, और उसी की मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कस्टमर की पूरी डिमांड पूरी करें। कस्टमर भी हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। देखिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस हैं, आपको सबसे पहले ये दिखाएं, माला है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक बार पूछ लेते हैं और क्या क्या छोटी छोटी श्रृंगार की चीज़ें आप देती हैं? श्रृंगार की हमारे पास भगवान की एक नेपी से लेके स्टार्टिंग हमारी नेपी से होती है, फेस पैक से होती है। उसके लिए पहले हम भगवान जी हमारे यहाँ आते हैं तो हम फेस पैक लगा के भगवान का मतलब फेस पैक लगा के भगवान जैसे ग्लो आ जाए भगवान जी के, तो वो लगाते हैं। उसके बाद नहलाने के बाद नेपी या डाइपर पहना के फिर भगवान जी को वस्त्र पहनाते हैं, और वस्त्र पहनाकर फिर मैचिंग ड्रेस पहनाते हैं, और ड्रेस पहनाने के बाद मैचिंग ज्वेलरी बनाते हैं, फिर भगवान का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार करते, देखिए आपको देखिए छोटे छोटे मोर पंख हैं यहाँ पर, मुकुट है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और इन सब चीज़ों से श्रृंगार किया जाता है। जी
ठाकुर जी के लिए हमने बहुत सारे टॉयज लिए हैं। भगवान का लैपटॉप भी आया हमारे पास, लैपटॉप भी भगवान का, भगवान का लैपटॉप भी है, भगवान का कैरम बोर्ड भी है, चेस भी है, लूडो भी है, भगवान का सेल फोन भी है, और भगवान जी की अभी सर्दी आएगी तो अंगीठी अभी से लाके रख दी है, और भगवान के डांडिया भी हैं, अब नवरात्रि आएंगे तो भगवान के लिए डांडिया भी है, और भगवान जी का पियानो है, हॉकी है, ये सारंगी है, और डमरू है, ढोलक है, जो इस्कॉन मंदिर में ढोलक होती है हम लोगों ने वो ढोलक बनवाई है, और भगवान का, भगवान की साइकिल भी है, भगवान की चक्की भी है, मतलब बहुत सारी भगवान जी की, कुछ छोड़ा नहीं है, सब कुछ है कस्टमर्स के पास, कस्टमर्स के पास सब कुछ है लेने के लिए। अब कस्टमर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम इतनी सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूज़ हो जाती होंगी? हाँ बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी सोच भी नहीं सकते कि इतनी चीज़ें भी आती हैं। क्या क्या लेके जाएंगी आप? अब देखिए अभी करते हैं सिलेक्शन, क्या क्या लेके जाते हैं। आपने भी देखा कि बिल्कुल स्त्रियों की तरह श्रृंगार किया जा रहा है, देख करके बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया। आप भी घर से लड्डू गोपाल को लाए होंगे तो इस तरीके से श्रृंगार करवा रहे हैं। कस्टमर्स भी हैं, देख करके अमेज हो जाते हैं, यहाँ पर आश्चर्य में हो जाते हैं कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, वस्त्र है, परिधान है, लड्डू गोपाल को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मुकुट है, और जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं उस तरह का श्रृंगार राधा रानी को भी कराया जाता है। ये अपनी तरीके का एक अनूठा ब्यूटी पार्लर कम बुटीक है, देव बुटीक नाम है, और जन्माष्टमी पर यहाँ पर कस्टमर्स जो होते हैं वो बड़ी संख्या में आते हैं अपने लड्डू गोपाल को, राधा रानी को सजाने के लिए। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।